सो फ्रेंड्स, इस थाली के लिए मैंने पूरा का पूरा वेजिटेबल्स निकाल लिया है। देखिए ये सब चीज़ें हैं जो मैं बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, पोस्ट तो मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देख रहे हैं क्या खाना है, प्रसाद खाना है उसको। फ्रेंड्स, फाइनली आज मेरा गैस सिलेंडर फिनिश हो गया यार, राइस पकने से पहले ही। फ्रेंड्स निकल गया, एक्चुअली ये टूट गया इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको बांधना पड़ेगा। लिया है फ्रेंड्स, अभी इसका रेगुलेटर बंद करते हैं। दोनों हाथ यूज करना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी इधर आए सानू, एकदम अच्छे मूड में है, तो सानू से बात कर लीजिए पहले। हाय करिए, हाय करिए, क्या हो गया, अभी तक टुबुट टुबुट बोल रही थी। हाय, हेलो फ्रेंड्स करिए, अभी बोल रही थी। बट क्या हो, ये बच्चा लोग का मूड का ना कुछ बोला नहीं जा सकता है, कब क्या हो क्या, मतलब पल में, 16 पल में मासा बन जाता है लोग। तो खैर, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिए सुबह से, मेरा सारा काम हो गया, ब्रेकफास्ट हो गई है, बच्चा स्कूल चला गया, एक एक अभी घर में है जो सेता नहीं कर रही, इसको भी ब्रेकफास्ट करा दिया। अभी लेट से उठी थी, सबसे एंड में उठी के वही, ना ब्रश नहीं करना है, नहाना नहीं है, खाना नहीं है, फिर रोई धोई की पैंट, उसका जो गंदा पैंट डला हुआ है अभी धोने के लिए, उसको उसको पहनना है, उसके लिए रोई धोई की, मतलब क्या बोले। फाइनली सारा सेटल हो गया, अभी अभी वो खेलते रहेगी। और क्या सी उधर बोल रही है, क्या नहीं है, सॉक्स नहीं है एक्चुअली, इसका शूज वॉश करके रखा हुआ है, उसमें सॉक्स डला हुआ नहीं है, इसलिए बोल रही है उसमें सॉक्स नहीं है। कोई नहीं, जब पहनेंगे ना दादा तब सॉक्स डाल देंगे। ओके सो फ्रेंड्स, अभी आज मैं आप लोग के साथ, पहले मैं आपको किचन में ले जाती फिर उधर ही बात करते हैं, वरना ये ऐसे तो कैमरे में कुछ बोल नहीं रही है और ऑफ कैमरा चपर चपर कर रही है। तो फ्रेंड्स, किचन में आ गए हैं। अब आज आप लोग के साथ मैं प्योर वेज थाली आज बना के बताऊंगी, वे बंगाली स्टाइल में, कि कैसे बंगाली स्टाइल में प्योर वेज थाली बनाया जाता है, और वो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो भी थाली मैं बनाऊंगी वो वेज ही होगा, उसमें नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं होगी। एक्चुअली अभी गर्मी का सीज़न भी आ गया है और नॉनवेज खाने का उतना मन भी नहीं करता है, तो सोचे आज क्यों ना वेज ही बनाया जाए, प्योर वेज थाली। तो इसमें एक मसाला वाला सब्जी बनाऊंगी, ग्रेवी नहीं बट मसाला वाला रहेगा। एक हमारा पोस्तो जो बंगाली वाला है वो बनाऊंगी, एक दो फ्राई सब्जी बनाऊंगी, चटनी रहेगा, यही नॉर्मल रहेगा। तो मैंने मेन्यू ऑलमोस्ट बता दिया आप लोगों को, अब बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। और दाल रहेगी, सैलड रहेगी, तो कॉमन है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे नहीं तो अभी लेट हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए भुतनी तो खड़ी हो गई है, कुछ बोलेगी नहीं अभी। ओए मम्मा, क्या हुआ, बोलिए, क्या हुआ सर, नौटन की बहुत करती है, बाप रे बाप। सो फ्रेंड्स, वेज थाली के लिए मैंने पूरा का पूरा वेजिटेबल्स निकाल लिया है। देखिए ये सब चीज़ें हैं जो मैं बनाने वाली हूँ। ये साग रहेगा, बैगन भाजा, बैगन भाजा तो ऐसे मेरे मिस्टर खाते नहीं है, तो सोच रहे नीम बैगन ही बना लेते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट है। इधर टमाटर का चटनी होगा, मटर डाल के, यदि ये पत्ता गोभी सैलड, बस यही सब रहेगा। तो बने रहिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसको काट कूट लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी पहले दाल का छौंका लगाएंगे, इसलिए लहसुन और 5 फोड़न डाल दिए तेल में। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने बोला प्योर वेज, इसका मतलब मैं प्याज लहसुन डालूंगी, सिर्फ नॉन वेज छोड़ के प्योर वेज बनाऊंगी। मैंने प्याज लहसुन यूज़ कर रही हूँ, गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं दाल। सो फ्रेंड्स, इसमें तुरई और आलू, और मैंने नमक डाल दिया है, अब इसको बॉयल होने देंगे, इसका पोस्तो बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी दाल भी हो गई, इसको निकाल लिया है, कढ़ाई गर्म होने दिए है, साग बनाएंगे अब, इसमें लहसुन डाल दिया है,
इधर साग है, धो धा करके अच्छे से रख लिए हैं। इसे कढ़ाई गर्म होगी, तेल डालेंगे, उसके बाद साग डाल देंगे। तभी कढ़ाई गर्म होने देते हैं। गैस गर्म हो गई है, तेल डाल देते हैं। छोटा सा चिली, जो तेल सब गर्म हो गया है, साग डाल दिया। इतना ज़्यादा दिख रहा है, अभी कितना कम हो जाएगा था, इतना ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। चला देंगे और ढक देंगे। फ्रेंड्स मेरा साग फ्राई हो गया है। इधर कढ़ाई में डाल दिए आलू और बैंगन, इसको हम नीम बैंगन बनाएंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और नमक और पानी डाल के ढक देंगे। इसको ढक दे रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं पकाना, थोड़ा सा हल्का, नहीं तो बैंगन गल जाएगा। सूखा हुआ नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट काट के डाल दिया आज। सो फ्रेंड्स ये वही पोस्तू के लिए आलू और झींगा बॉयल होने दिए थे, वो हो चुका है। और अब इधर पत्ता गोभी का सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए मैंने क्या क्या इसमें डाला हुआ, मटर है, कैप्सिकम है, कैरेट है और पोटैटो है, सब मिक्स कर लिया। अब इसको भी कुकर में डाल के एक सीटी लगा देंगे। सो फ्रेंड्स इधर पोस्तों के लिए पोस्तू ले लिए और एक चिली डाल दिए, इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा पोस्तो रेडी, आई मीन पेस्ट बना लिए हैं। अभी पकना बाकी है सब्जी के साथ, तो इसको भी ढक के रख देते हैं, वेट करते हैं, टाइम लगाए। सो फ्रेंड्स बैगन आलू को भी बॉईल हो गया है, इसको ठंडा होने देंगे, एकदम लास्ट में ये बनेगा। और इधर कढ़ाई को भी अच्छे से धो धा करके गर्म होने दे दिए, पोस्तो बनाएंगे। कढ़ाई हो चुकी गर्म, अब इसमें डाल देंगे तेल, बट थोड़ा सा, पोस्तो में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, इसलिए मैं हल्का सा तेल डालूँ। फ्रेंड्स तेल गर्म हो चुकी है, इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर, पका लेंगे। पक गया फ्रेंड्स, टमाटर भी गल गए हैं, थोड़ा सा डाल दिए थे, जल्दी कर दे, इसमें डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और पोस्तो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स पोस्तू डाल दिए हैं, मिला लेते हैं। इसे थोड़ा पाया सूखा सूखा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी पानी लग रहा है। तो सनु पानी पीना था, न्यू न्यू ग्लास, इसका नया ग्लास है फ्रेंड्स, इसीलिए न्यू न्यू ग्लास। और अभी एक बार में होगा नहीं, अभी कितना बार जो पानी मांगेगी देखिए। चलिए फ्रेंड्स, कितनी बदमाश है, पानी ले लिया और बाथरूम में फेंक दी पानी। तो आपको पीना था ना पानी, पानी। तो फेंक क्यों दिए? बहुत ज़्यादा इसी तरह परेशान करती है मुझे। तो फ्रेंड्स पोस्तो मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो इसे फ्रेंड्स टमाटर चटनी के लिए टमाटर दे दिए हैं, चिली है, सरसों है, फ्रेंड्स अभी मेरा ये दो सब्जी और बनना बाकी, ये बॉईल हो चुका है, इसको निकाल दिए हैं, वो तो अब ठंडा हो रहा है। इधर चावल डाल दिए हैं पानी के साथ, इसको पकने दे देंगे। फ्रेंड्स मेरे टमाटर की चटनी भी रेडी है, तो मैं इसको भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। सी फ्रेंड्स अब गोभी बनाएंगे, गोभी पत्ता गोभी के लिए इसमें तेल डाल दिए है, थोड़ा सा पाँच फोड़न डाल दे रहे हैं। मसाला डाइट दूंगी तो जल जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी गोभी डाल दूंगी। हल्दी नहीं डाला हुआ है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं, जीरा धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट और लास्ट में नमक। मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देख रहे हैं क्या खाना है, प्रसाद खाना है उसको। एक सेकेंड ये बनना दीजिए, हाँ फिर दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स और एक वेजिटेबल कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट नीम बैंगन, इसको लिए अभी तेल डाल दिए है कढ़ाई में,
मैंने एक्चुअली कढ़ाई धोया नहीं, उसी में डाल दिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तेल गर्म होगा फिर नीम डालेंगे, फिर फ्राई कर देंगे। फ्रेंड्स नीम डाल दिए, नीम को फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। डाल देते हैं मेरा नीम और सॉरी बैगन और आलू। नीम बैगन भी बन के रेडी हो गया, अभी कढ़ाई में थोड़ा देर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फाइनली आज मेरा गैस सिलेंडर फिनिश हो गया यार, राइस पकने से पहले ही। इधर मेरा नीम मेलेंट हुआ और इधर देखिए कैसे सिग्नल दे रहा बुक 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 करके, और थोड़ा सा चल जाता तो अच्छा था। इधर मैंने अभी कढ़ाई को बंद किया। ये हाल है, अब मुझे क्या करना होगा, सिलेंडर चेंज करना होगा पूरा फिनिश। बंद कर देते हैं नोक को, और थोड़ा देर होने से मेरा हो जाता। खैर इधर एक्स्ट्रा सिलेंडर, ये टूटा हुआ कैसे है, अब इसको निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता मेरे लिए, यही एक टफ काम लगता है। फ्रेंड्स निकल गया, एक्चुअली ये टूट गया इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होता, इसको बांधना पड़ेगा। देखते पुराना सिलेंडर पहले निकाल लो। थोड़ा के लिए मुझे को परेशान कर दिया बाबा, अंदर घुसा हुआ दिख रहा लिया है। फ्रेंड्स अभी इसका रेगुलेटर बंद करते हैं, दोनों हाथ यूज करना पड़ेगा। खोल लिए, अभी लगाने का टाइम है, नीचे रखना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, लास्ट टाइम सिलेंडर बहुत चलना था, मैं वापस एक्चुअली अंदर नहीं डाल सकती क्योंकि मेरा लेग का फिर प्रेशर पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर ही लगा करके छोड़ दूंगी। सो फ्रेंड्स सिलेंडर तो लगा दिए हैं, स्मेल आ नहीं रही है गैस का, तो भी जला के देखते हैं क्या कंडीशन है। जल तो गया अभी, अभी मैं इधर ही छोड़ दे, आए सामने छोड़ा नहीं बेटा, पुराना वाला इधर ही रख देते हैं। छोड़े छोड़े हटे, ऐसे ही रखना पड़ेगा, लाएंगे दिख रहा है इसका खराब हाथी करने लग जाती है। तो फिलहाल अभी राइस को पकने देते हैं, बाकी इधर तो सारा हो गया था। आप लोग को मेरा लंच मेन्यू आज दिखाई नहीं, बताए थे कल, ये तो नीम और बैगन आलू सब्जी इस फ्राई पत्ता गोभी वाला सब्जी, टमाटर की चटनी, साग फ्राई, दाल, पोस्तो और नीचे है सैलेड, बस आज का यही है फ्रेंड्स प्योर वेज थाली। फ्रेंड्स मुझे लगा ही था कि गैस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस तरह लास्ट मोमेंट पे और 5 मिनट चलने से ही मेरा राइस पक जाता, लेकिन क्या करें, एक्चुअली मुझे डर लगता था वैसे ना, रिस्की होता है ये चीज़ फिर अपने से लगाना ही करना। ऐसे तो मुझे कल लास्ट टाइम भी मैंने किया था, सानो वो सिलेंडर के साथ खेल रही है खाली वाला। फाइनली खाना वाना बन गया है, अभी राइस भी थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा तो राइस को पकने देते हैं। 2 मिनट बाकी है, एक्चुअली ये 5 मिनट फास्ट है, 2 मिनट अगर देखा जाए तो। ये चुलबुलू क्या कर रहे हो आप, नहीं खोलिए नहीं खोलिए, अभी रुकिए, क्या कर रहे थे आप, पूछा दिखा ली थी, पूरा फिनिश कर दी। तो फ्रेंड्स जब स्टार्ट करते हैं तब लगता है कि पता नहीं फिनिश कर भी पाएंगे कि नहीं, हमेशा रोज का मेरा लगता है, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश करना होता है। तो देख रहे सी नौटंकी को, जो बदमाश क्या कर रहे हो, हाय तो कर, हाय करिए पहले, हाय कैसे है पूछिए, अच्छे है अपने अच्छे है बता रहे। तो फ्रेंड्स फाइनली लंच कंप्लीट, अभी चुटकी के साथ खेला करना है ना, मम्मा साथ खेलेंगे पहले वीडियो फिनिश कर दे उसके बाद खेलेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये
प्योर वेज बंगाली खाना पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह नटखटी पर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, मेरे बोलने का जरूरत नहीं, मेरी बेटी सारा चीज कर देती है। ओके, तो बाय बाय फ्रेंड्स।